नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कल अमेठी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सांसद खेल प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे, प्रधानमंत्री भी जुड़ सकते हैं वर्चुअली। इस कार्यक्रम में वर्चुअली संबोधित वो कर सकते हैं। और आपको बता दें कि 1 लाख से ज्यादा बच्चे अमेठी के गौरीगंज में इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और कल जो ये कार्यक्रम रहने वाला है इसका समापन होगा और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शिरकत करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर देहात। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया इंडिया अलायंस पर। उन्होंने बयान दिया है, अखिलेश यादव ने कहा कि सभी ने मन बनाकर यह गठबंधन बनाया है, इंडिया अलायंस की जीत होगी। अखिलेश ने यूपी में बीजेपी की 80 सीटों पर हार की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा, बीजेपी की सरकार ने लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। जब सभी दलों ने मन बना लिया है कि साथ रहेंगे और एक गठबंधन तैयार हुआ है, गठबंधन के साथ साथ जो आम वोटर है जो ये महसूस करता है कि पिछले बीजेपी की सरकार में संविधान लोकतंत्र इन लोगों ने मिलकर के खत्म कर दिया है, संस्थाएं खत्म कर दी हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर और अन्याय भी चरम सीमा पर, तो मैं नहीं समझता हूं कि कहीं किसी तरह का सीट का कोई सवाल होगा। गठबंधन जीतेगा, जनता बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने जा रही है। राजधानी लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से सूफी समाज संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर 150 से भी ज्यादा सूफी प्रतिनिधियों का समूह शामिल हुआ है। इस दौरान योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ है। हमारे संवाददाता जया सिंह ने उनसे खास बातचीत की है, क्या कुछ इस बातचीत में रहा वो देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सूफी महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें कि तमाम लोगों को आप देख रहे हैं, जो तमाम सूफी समाज के लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं, और इसमें खास तौर पे देखा जाए तो दानिश आजाद अंसारी भी शामिल हुए हैं। दानिश आजाद अंसारी को हमारे साथ देखते हैं, बासित तली और साथ ही साथ इस प्रदेश के प्रभारी है सूफी समाज के डॉक्टर हुदा, ये भी हमारे साथ शामिल आई बातचीत करते हैं डॉक्टर दानिश आजाद अंसारी से। दानिश जी, सूफी समाज क्या संदेश देने की कोशिश है? सूफी समाज और आम मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारी डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से सबका साथ। विपक्ष तो आरोप लगा रहे हैं ये कभी हितैषी नहीं हो सकते मुसलमानों के। देखिए, विपक्ष ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखा है, लेकिन आज आम मुसलमान ये भारतीय जनता पार्टी पे पूरी तरीके से भरोसा करता है। हरा और भगवा का क्या है समीकरण? पूरी तरीके से आज मुसलमानों के दिल में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास। ये भी है कि कपड़ों से पहचान लिए जाते हैं दंगाई, कैसे इस आरोप से धुलेंगे आपको? देखिए, आज चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, उद्योग हो, हर तरीके से मुसलमानों को डेवलपमेंट से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। बासित अली जी, आप क्या कहना चाहेंगे सूफी समाज संवाद पे? ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। जो माई का डेफिनेशन बदल गया है, माई का डेफिनेशन मोदी और योगी जी हो चुका है। और मैं इस सूफी समाज के माध्यम से ये पूरे देश में और पूरे प्रदेश में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मुत्तहिद होकर के साथ काम करेंगे इस देश के विकास के लिए, इंशाल्लाह काम करेंगे। डॉक्टर हुदा को आपने सुना, सूफी समाज संवाद को लेकर जिस तरीके से महाअभियान किया जा रहा है, इसमें चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हो, ये तमाम लोगों का यहाँ पे शामिल होना जारी है। और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से इस अभियान को रूप दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं 80 में 80 सीटें जीतने का जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य अपना तय कर रखा है, वो कहीं ना कहीं उसकी एक शुरुआत है। और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयोग में कितनी सफलता मिलेगी यह सबसे बड़ा अब सवाल, और इस सवाल का जवाब चुनाव के नतीजों के बाद ही मिलना संभव है। सबके साथ मैं जय सुनिंदा डिवेल। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से आयोजित की गई सूफी संवाद महाअभियान के जरिए सूफी समाज के लोगों को प्रशिक्षण देने का काम किया गया है। इस ट्रेनिंग के दौरान यह बताने की कोशिश की गई कि उन्हें कैसे अपने लोगों के बीच जाना है और बीजेपी सरकार में हुए काम को उनके सामने रखना है, साथ ही विपक्ष की ओर से फैलाई गई गलत फहमियों को दूर करने पर भी काम करना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी नई पहचान कायम कर रहा है और इस अभियान के रूप में भारतवासी आगे बढ़े हैं।
आज की कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जमाल सिद्दीकी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और डॉक्टर हुदा जी और दानिश अंसारी जी सब लोग के साथ पूरे प्रदेश भर से और इस विचारधारा के आधार पर हमारी सरकार ने जो काम किए मोदी जी के योगी जी के नेतृत्व में, हमें घर घर पहुंचाना है और सूफी विचार से देश में जो भाईचारा है, एक दूसरे से मिलकर काम करने की जो पद्धति है, हमें गंगा जमनी जो हमारी तहजीब है, हमारी जो मिली जुली विरासत है, उसे हमें आगे बढ़ाकर इस देश के विकास में अपना योगदान देना है। और वही इस दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने जनता टीवी से खास बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। पार्टी का आज कार्यालय जो है वो भगवा और हरे रंग से पटा पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज सूफी समाज सम्मेलन, क्या लगता है कितना साथ पाएंगे उस मुस्लिम समाज को? बिल्कुल, हम संतों की सेवा करना चाहते हैं। देश में पहली बार जो प्रधानमंत्री मिले हैं वो संत हैं, वो सूफी हैं, और सूफी की भी सेवा होनी चाहिए, सूफी संतों का भी ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए हम सूफी समाज का अभियान कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि इनका वोट में बहुत बड़ा इनका प्रतिशत नहीं होता। वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, सेवा की राजनीति हम कर रहे हैं, और सेवा करने के लिए संपर्क जरूरी है, संवाद जरूरी है, इसलिए हम संवाद कर रहे हैं। विचारधारा को पसंद करेंगे सूफी संत? किसी विचारधारा को ये मानते नहीं? नहीं, अपना लाइन होता, अपना रोड मैप। सूफी सबके होते हैं और सब सूफी के होते हैं, इसलिए हम उनके पास जाएंगे, उनको सलाम करेंगे, उनको नमन करेंगे और उनको प्रधानमंत्री से माननीय योगी आदित्यनाथ से जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन कैसे मिलकर काम करेंगे? आपके और बासित अली की तो पट्टी ही नहीं है, लेटर बम चलता रहता है। ये विरोधियों की चाल है। बासित भाई हमारे छोटे भाई हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। आज इतने सारे सूफी जो जमा हुए हैं उसमें डॉक्टर हुदा साहब और बासित अली भाई और उनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। कुल मिला के आप साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी योजनाएं हैं वो आपके पक्ष में? बिल्कुल, देश में पहली बार जो आबादी हमारी है 19% है, लाभार्थियों की संख्या हमारे पास 32% है, ये सिर्फ मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में संभव हो सकता है। लेकिन विरोधी पार्टियों का जवाब कैसे दे, जो कहते हैं कि मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है? विरोधी जो है उनको जवाब जनता देगी, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम सेवा करने जा रहे हैं। तो ये थे जमाल सिद्दीकी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता अल्पसंख्यक मोर्चा के। इनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य उसका सेवा होता है और सेवा इस सर्वधर्म मान के चलती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं रही है उसमें शत प्रतिशत भागीदारी जो है वो मुस्लिम समाज का रहा है, और वो बताने की, दिखाने की, जताने की, समाज में पहुंचाने की सख्त जरूरत है, और उसी को लेकर हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं।